शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में, मैं ब्रह्मशिला आपके साथ। आइए जानते हैं झारखंड और बिहार की प्रमुख खबरें। देवघर के स्थानीय टावर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सोनाधारी झा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। सोनाधारी झा के द्वारा बताया गया कि हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा किया। यह मुकदमा झारखंड मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहा है। हम लोग इसी विरोध में पुतला दहन किए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीता चौरसिया, धनंजय खवारे, सोनाधारी झा, सुमन बम बम दुबे, आनंद मिश्रा एवं अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश के ऊपर FIR दर्ज किए हैं, जो सरासर गलत है। आज उसी के तहत हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि FIR को वापस लो, नहीं तो हम लोग सरकार को हिला देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश के आदेशानुसार आज प्रत्येक मंडल में हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अभी संध्या 5 बजे जिस तरह भाजपा के अध्यक्ष पर झूठा मुकदमा दायर किया गया, और मुकदमा भी कैसा कि भाजपा के अध्यक्ष ने बोला 2 महीना में सरकार गिरा देंगे, इस आधार को बना के जिस तरह झूठा मुकदमा किया गया है दुमका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पर, जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जी इसको वापस ले, अन्यथा और उग्र आंदोलन होगा। और इससे भी अगर अब आगे बात बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जेल में रखने के लिए हेमंत सोरेन जी तैयार हो जाए, जेल भरो आंदोलन चलेगा। ये अत्याचार, ये दुराचारी सरकार झारखंड में नहीं चलने देंगे।